गुड मॉर्निंग माई लिटिल स्टार्स, हाउ आर यू? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड बेटा. सब बच्चे अपना ध्यान रख रहे हो ना? वेरी गुड बेटा, आपने अपना ध्यान रखना है, ठीक है. हेल्दी फूड खाना है और मम्मा पापा का कहना मानना है. तो बेटा आइए, आज हम अपना काम शुरू करते हैं और आज हम नई मात्रा सीखेंगे. बेटा आज का कार्य शुरू करने से पहले हम पहले की हुई मात्राओं का रिव्यू करेंगे. देखो बेटा, हमने सबसे पहले कौन सी मात्रा सीखी थी? आ. आ में आपका मुंह पूरा खुलेगा. सब बच्चे देखिए, बोलकर देखो. तारा. देखो त के साथ आ की मात्रा लगी, ता. मुंह खुला ना, रा. तारा. अब नेक्स्ट देखो, गम. अब देखो मैम ने ग और म ल ल को आ ऐसे नहीं बोला ना, मैम ने इकट्ठा बोला गम ला, गम ला. नेक्स्ट देखिए, ता ला, ताला. नेक्स्ट बा. अब ब नहीं बोला मैम ने, ब नहीं ना बोला, ब के साथ आ की मात्रा तो मैम इकट्ठा पढ़ रही हैं. बा दा म, बादाम. उसके बाद देखिए बेटा, इ की मात्रा, इसमें आवाज़ कैसी आएगी? छोटी आवाज़. बोलकर देखो, दी. इसको मैम ने देखो दी लंबी नहीं ना बोला, छोटी आवाज़ में बोला दी. न दिन. की ल किल. मी ल मिल. सी ल सिल. देखो छोटी आवाज आ रही है ना, इसमें हमें बोलने में इसे कम समय लग रहा है. उसके बाद देखिए ये क्या है, ई. इसे बोलने में अधिक समय लगेगा आपको और लंबी आवाज आएगी. देखिए बोलकर दी. अब देखो दी नहीं ना बोला मैम ने, मैम ने इसे बोला दी न दीन. की. अब मैम ने की बोला, सही बोला है गलत बोला है ना, क्योंकि इसे मैम को लंबी आवाज में बोलना था. कैसे? की. लंबी आवाज में बोलेंगे ना, की ल कील. मी ल मील. सी ल सील. तो देखा बेटा आपने दोनों मात्राओं में क्या अंतर है. यहाँ पर हमें ई की मात्रा में छोटी आवाज आती है और ई की मात्रा में लंबी आवाज आती है. आओ अब हम उ और उ की मात्रा को सीखते हैं. देखिए बेटा ये क्या है, उ. छोटी आवाज में बोला ना मैम ने और इसे बोलने में कम समय लगता है. और ये ऊ, लंबी आवाज में बोलना है, इसे बोलने में अधिक समय लगेगा. अब सब बच्चे देखो बोलकर सु. मैम ने सु लंबी आवाज नहीं ना बोला, छोटी आवाज में बोला मैम ने. सु न सुन. कु ल कुल. सु म न सुमन. रु. अब ये देखो ये तो मात्रा र के कहाँ लगी हुई है बताओ जल्दी से, पेट में. र के पेट में. और इसे बोलने में भी कम समय लगेगा. देखो रुक क रुक. अब नेक्स्ट आइए ऊ. इसे बोलने में अधिक समय लगेगा. धूप धूप. चूहा चूहा. सूरज
सूरज। अब ये बताओ र के क्या लगा हुआ है? उ की मात्रा कहाँ लगी है? पेट में। और ये कौन सी मात्रा है र के पेट में? ऊ की मात्रा। तो सब बच्चे लंबी आवाज में बोलो इसे, रूपा रूपा। चलिए बेटा सब बच्चे नव भारती निकालिए, आज हम ए की मात्रा सीखेंगे। ए, घूमने गए मेला। मे, देखो माँ के ऊपर किसकी आवाज आई, ए की मात्रा की, मेला। कुछ चीजें दिखाती हूँ, आप मुझे उनके नाम बोलकर बताएंगे। ये क्या है देखो, आप खाते हो इसे, केला। शाबाश। अब इसे दोबारा बोलो के। अब क के ऊपर किसकी आवाज आई, ए की आवाज आई ना, के ला। ल के साथ आ की आवाज आ रही है, वेरी गुड। और देखो ये क्या है, लाल लाल, आप खाते हो इसे, क्या है, सेब, वेरी गुड। से, अब स के ऊपर किसकी आवाज आ रही है देखो मात्रा की, ए की आवाज, से ब, से। और ये क्या है देखो, करेला। क, अब क के ऊपर कोई आवाज आ रही है बेटा मात्रा की, नहीं आ रही है ना, क रे। अब र के ऊपर कौन सी आवाज आई, रे, ए की आवाज, वेरी गुड। ला, ला के साथ कौन सी आवाज आई, आ की मात्रा की। तो बेटा आपने देखा आज हमने इसमें कौन सी मात्रा सीखी, ए की मात्रा। चलिए बेटा अब हम रीडिंग करेंगे, सब बच्चे मैम के साथ साथ रीड करोगे। देखो सब बच्चे सबसे पहले चित्र देखे, किस चीज का चित्र है ये, शेर। अब देखो शेर, श के ऊपर किसकी आवाज आई, ए की मात्रा, है ना, देखो श, और ये ए की मात्रा नजर आ रही है ना आपको, र, क्या बन जाएगा, शेर। सब बच्चे बोलिए साथ साथ। नेक्स्ट देखो क्या है ये चित्र, देखो सब बच्चे पहले चित्र में क्या है, सेब। अब सब बच्चे देखो इसे बोलो, सेब। अब देखो आवाज किसकी आ रही है, ए की मात्रा की। अब सब बच्चे देखो ये चित्र देखिए क्या है ये, पेड़। अब देखो पे, अब आवाज किसके ऊपर आ रही है, प के ऊपर, और कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है, ए की मात्रा, पे ड़ो, पेड़। चलिए अब सब बच्चे नीचे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, खेल, खेल। नेक्स्ट देखो मेल, मेल। देखिए सब बच्चे पढ़ो इसे, कोशिश करो, र के ऊपर एक की मात्रा क्या बनेगा, रे, ल, रेल। ते, ल, तेल। बे, ल, बेल। चलने। अब देखो आवाज किसके ऊपर आई, न के ऊपर, ने, है ना। घूमने, खेलने, नेवला, ने। देखो न के ऊपर किसकी आवाज आ रही है, मात्रा की आवाज बताइए, ए की आवाज, नेवला। रेल, गाड़ी। अब देखो गा, गा के साथ आ की आवाज आई, है ना, मुंह खुला है ना मैम का, आपका भी मुंह खुलना चाहिए साथ में, री। अब लंबी आवाज में बोला मैंने, हमने तो क्या बोला, री। दोबारा से बोलो सब बच्चे, रेल, गाड़ी। अब सब बच्चे दोबारा फिंगर रखिए और मैम के साथ साथ बोलो, सबसे पहले ये चित्र देखो कितना सुंदर चित्र है ये, है ना, ये क्या है बताओ, चुक 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 क्या चलती है,
रेलगाड़ी, रेल। एक ही आवाज आई ना र के ऊपर, वेरी गुड। और रेलगाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है देखो, बहुत सारे जानवर है ना, बहुत सारे जानवर रेलगाड़ी में कहीं घूमने जा रहे हैं। चलो आओ अब हम पढ़ते हैं, सब बच्चे रीडिंग कीजिए मैम के साथ साथ। सा, अब देखो आपकी आवाज़ के साथ मैम का मुंह खुला, आपका भी खुलना चाहिए। सारे जानवर, अब देखो एक ही मात्रा के साथ मैम ने क्या किया, मुंह खोला है ना, जा, आप भी ऐसे बोलो बेटा, जानवर मेला देखने गए, सबने मिलकर, मिल देखो माँ के साथ मैम ने छोटी आवाज बोली ना, क्योंकि यहाँ पर एक की मात्रा है, मिलकर ज, अब देखो ज के ऊपर कोई आवाज आ रही है मात्रा की, नहीं आ रही है ना, जलेबी। अब ल के ऊपर किसकी आवाज आई, एक की मात्रा, और ब के साथ ई की मात्रा है ना, जलेबी खाई, ठेले पर केले सेब भी बिक रहे थे, हाथी ने केले ही केले उड़ाए, शेर सबके साथ रेल पर सवार हुआ, रेल गाड़ी चली, छुक छुक छुक। अब छ के नीचे कौन सी आवाज आई, छुक 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 छुक, उ की आवाज है ना, उ की आवाज है, वेरी गुड। सब जानवर खूब, अब खूब में देखो ख के साथ कौन सी आवाज है, ऊ है ना, घूमे और वापस वन आ गए। मजा आया सब बच्चों को रीडिंग करके, वेरी गुड बेटा। आप सब ने अब दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। अब सब बच्चे बेटा पेज नंबर 40 निकालिए, अब हम बुक वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला लगाओ। अब देखो ये चित्र आपको नज़र आ रहा है ना, किसका चित्र है, नाम बताओ, ये सेब। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे पहले। सेब, केला, तेल। अब देखो इनमें से कौन सा सही है, जिसका ये चित्र है,
सेब। सब बच्चे सेब के ऊपर सर्कल कीजिए। अब देखिए ये चित्र, इसे ध्यान से देखो, किस चीज का चित्र है ये? रेल। अब सब बच्चे इन शब्दों को पढ़िए। चेला, ये सही है बेटा, बताओ? नहीं। अब नेक्स्ट देखो, मेला, क्या ये मेले का चित्र है? नो। नेक्स्ट देखो, रेल। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है? रेल। तो सब बच्चे रेल के ऊपर सर्कल कीजिए। अब सब बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। चित्र देखकर उनके नाम लिखो। अब सब बच्चे देखो ये किस चीज़ का चित्र है? आप खाते हो केला। शाबाश। तो सब बच्चे लिखिए के। अब क के ऊपर किसकी आवाज़ आई? ए की मात्रा, ए की मात्रा है ना, देखो के ला। ल के साथ आ की मात्रा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो ये किस चीज़ का चित्र है? शेर, वेरी गुड। अब इसे सुंदर सुंदर लिखिए शे। अब श के ऊपर किसकी आवाज़ आई? ए की मात्रा, शेर, शेर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अक्षरों को मिलाकर लिखो। अब देखो, अब जो लिखा हुआ है हमने उसे नीचे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? म। अब म के बाद देखो कौन सी मात्रा है? ए। तो ए की मात्रा किसके ऊपर लगेगी? म के ऊपर, वेरी गुड। उसके बाद ल। सब बच्चे नीचे ल लिखिए और फिर आ। क्या बना इसे पढ़कर देखो? मेला, मेला। अब घूमने जाते हो ना मेला। अब नेक्स्ट देखो बेटा र। सब बच्चे नीचे र लिखिए। अब देखो र के ऊपर कोई या नीचे मात्रा है? नहीं है, है ना? तो र कर र ही लिखेंगे सिर्फ हम। उसके बाद म। हमने म लिखा। अब म के बाद देखो मात्रा नज़र आ रही है ना आपको, तो ये मात्रा किसके ऊपर आएगी? म के ऊपर। सब बच्चे लिखिए नीचे और फिर लिखो श। क्या बना? रमेश। सब बच्चे लिखो सुंदर सुंदर। नेक्स्ट देखिए ने। अब ने, न के ऊपर आवाज़ आ रही है ना एक ही मात्रा की, तो सब बच्चे नीचे लिखिए ने। उसके बाद देखो व। सब बच्चे नीचे व लिखिए और उसके बाद ला। क्या बना इसे बोलकर देखो? नेवला। सब बच्चे लिखो बेटा और साथ साथ में आपने बोलना भी है। आज का बेटा आपका एडवाइजरी वर्क है रीड पेज 39। आपने मम्मी पापा के पास बैठकर बेटा अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर, थैंक यू।